Hello everyone, this is Dr.Heena Dabar. Welcome to Testbook Super Coaching YouTube channel. 16 जुलाई को UGC की तरफ से बहुत बड़ी खबर सामने आई है जो कि आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट और बेहद कह देना यूजफुल इन्फॉर्मेशन है. इट्स वेरी 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 बिग एंड अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू. एंड वो ये है कि UGC ने ये एक सीरियस नोटिस सेंड कर दिया है सभी फैकल्टी के रिक्रूटमेंट के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एंड इवन प्राइवेट कॉलेजेस में. तो UGC ने पहले भी 2019-2021 में ये बात उनको कन्वे करी थी कि जितनी भी आपकी वैकेंट सीट्स हैं उनको प्लीज़ जल्दी से जल्दी भर दिया जाए. बट इस चीज़ को कई यूनिवर्सिटीज़ ने इतने लाइटली लिया और कईयों ने उसको नहीं फॉलो किया. बट एक बार फिर से UGC ने उनको 6 months का टाइमलाइन बना के दिया है और ये कहा है कि आप सबकी वेबसाइट्स को चेक किया जाएगा और ये अश्योर किया जाएगा दैट वी आर टेकिंग सीरियस स्टेप्स टू फिल अप द वेकेंट पोजीशन इन ऑल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. और इसका पूरा टाइमलाइन यूनिवर्सिटीज़ को अपने पोर्टल पे अपलोड करना है बिफोर 31st of July, यानी ठीक आज से 12 दिन के बाद आप हर यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे जो पेंडिंग और वेकेंट सीट्स हैं उनसे जुड़े हुए नोटिस देख पाएंगे. तो इस फॉर्मेट में हर एक यूनिवर्सिटी उसको फिल करेगा और आपको वेकेंट पोजीशंस को फिल अप करना है एज सून एज पॉसिबल. तो ये जो नोटिस है सभी यूनिवर्सिटीज़, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जा चुका है. उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आने वाले इस साल के 6 महीने के अंदर हमें ये नहीं पता लगना चाहिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर 1, 2, 3, एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर की सीट आज भी वेकेंट है. तो जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको एट हाईएस्ट प्रायोरिटी 6 months के अंदर अंदर पूरा किया जाए. इससे जुड़ा हुआ पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर का डिटेल्स उन्होंने यहाँ दिए जो आपको विजिट करना चाहिए कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर ये बताना है कौन कौन सी पोजीशन वेकेंट है. ठीक है, उनके लिए परमिशन 30 डेज में लेनी है. नेक्स्ट 15 दिन में आपको एडवर्टीजमेंट देना है, यानी आज से ठीक 15 दिन बाद ऑगस्ट की फर्स्ट वीक में आपको काफ़ी सारी वैकेंसीज दिखने वाली हैं. ठीक है, और साथ में आपको सिलेक्शन कमेटी इंटरव्यूज की डेट्स को भी 15 दिन में डिसाइड करना है और उसके बाद स्क्रूटिनिटी ऑफ एप्लीकेशन, यानी बहुत सारे लोग फिल करेंगे उनको आपने उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कीजिए और फाइनली इंटरव्यूज कंडक्ट कीजिए. यानी अगस्त और सितंबर में ढेर सारे वैकेंसीज तो आ जाएंगे अगस्त स्टार्टिंग में और अगस्त एंड और सितंबर में आपके इंटरव्यूज भी चालू हो जाएंगे. तो अब देरी किस बात की. अब यूजीसी नेट का पेपर जिनका क्वालिफाई है उनके तो बहुत मजे हैं. जो लोग अभी रीनेट के इशू में फंसे हुए हैं, हाँ आप भरिए तो सही, एटलीस्ट आपको वहाँ पर जाके इंटरव्यू का एक्सपोजर तो मिलेगा. ठीक है, इंटरव्यू से रिलेटेड प्रिपरेशन कीजिए. तो देखिए डेडलाइन है 10th ऑगस्ट तक आपके पास पूरा अपडेट्स आ जाएंगे न्यूज़पेपर्स में, आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर्स में, हर जगह वेबसाइट्स पे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी सीट्स वेकेंट हैं एंड सितंबर में उसके इंटरव्यूज़ की डेट आपको मिल जाएगी. तो ये पूरा का पूरा जो नोटिस है ये हमने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच भी करवा दिया है. तो आप इसमें जाके पूरी गाइडलाइंस को स्टडी कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या है. बाकी रीनेट की तैयारी जारी रखिए बिकॉज ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि एग्ज़ाम को कैंसिल करें, एग्ज़ाम हो रहा है तो इसलिए प्लीज़ पढ़ाई को जारी रखिएगा. थैंक यू, गुड डे, एंड दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ जो कि आपका दिन बहुत ही प्यारा रहेगा.